हाय एवरीवन, एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली में सरकारी नौकरी की कीमत क्या होती है ये हर मिडिल क्लास इंसान जानता है। रिसेशन, कोविड, मास ले ऑफ के बाद सरकारी नौकरी ही कई लोगों की उम्मीद की किरण है, पर नौकरियां हैं कम और कंपटीशन है घमासान, है ना। कई लोग तो इस गेम में स्टेप इन ही नहीं कर पाते या बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ विनर्स ऐसे होते हैं जो ट्राई करते ही रहते हैं। विनर्स इसलिए क्योंकि डेवलपिंग द हैबिट ऑफ नॉट गिविंग अप इज द फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। पर हताशा तो होती है कि इतनी मेहनत करने के बाद आखिर हम गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स को क्लियर क्यों नहीं कर पाते, है ना। आज आपके इसी सवाल का जवाब दूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना एक इजी टास्क बन सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से डेफिनेटली लेके जाने वाले हैं। दोस्तों, जब भी हम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, हम में से बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी होती है एक साथ अलग अलग टाइप के एग्जाम्स के फॉर्म्स फिल कर देने की। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं वो स्टेट पीएससी, बैंक एग्जाम्स, रीट, सीईटी, सीजीएल और भी ना जाने कितने फॉर्म्स भर देते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि एवरी एग्जाम हैज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट एंड अ डिफरेंट पैटर्न। और अगर आप ये मानते हैं कि तुक्के में आपका एग्जाम निकल जाएगा, आप 100 फॉर्म भरेंगे तो एक निकल ही जाएगा, तो आई एम सॉरी बट आपको आपके फैंटेसी वर्ल्ड से निकलने की बहुत जरूरत है। जब हम ऐसे मल्टीपल फॉर्म्स भरते हैं तो हम बेसिकली अपने फोकस के टुकड़े करके उसे बांट रहे होते हैं, विच इज नेवर गोइंग टू डू गुड फॉर यू। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है हमें किस टाइप के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना है, और ये डिसाइड करते हुए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि आपकी कैपेबिलिटीज कितनी हैं और आपकी लिमिटेशंस क्या है और आप कितने प्रिपेयर्ड हैं उस एग्जाम को देने के लिए जो भी वो आपसे डिमांड कर रहा है। वन साइज डजंट फिट ऑल एंड यू आर टोटली फ्री टू डिफाइन व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। इसलिए डोंट जंप इनटू एंटायरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस ऑल टुगेदर। आफ्टर यू हैव फिगर्ड आउट कि हम एक सर्टेन टाइप के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्विसेज या बैंक के एग्जाम्स, स्टिक टू दैट। कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास कोई मोटिवेशन नहीं रहती, ये लगने लगता है कि यार कहाँ फंस गए, इसका तो कोई एंड ही नजर नहीं आ रहा, या कभी कभी डर लगता है कि आगे क्या होगा। दिस इज वेयर यू नीड टू ट्रेन योर माइंड एंड सेट अ मोटिव, फाइंड अ गुड रीजन, एक अच्छा रीजन ढूंढिए कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया इस एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ओनली दैट विल कीप यू इन ट्रैक आगे प्रिपरेशन फेज में। नाउ ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, आज के जमाने में हार्ड वर्क इज नॉट गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स, बट स्मार्ट वर्क विल, एंड स्मार्ट वर्क इंक्लूड्स व्हाट योर स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन इज। सबकी लाइफस्टाइल्स अलग होती है, कोई स्टूडेंट लाइफ में है, कोई कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहा होता है, कोई आफ्टर मैरिज, कोई ड्रॉप लेके, किसी की जॉब होती है, या अंडर वेरियस अदर सर्कमस्टांसेस, तो आपकी स्ट्रैटेजी किसी और के जैसी नहीं हो सकती। दिस इज अनदर मेजर मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स करते हैं, वो टॉपर्स के शेड्यूल को उनकी स्ट्रैटेजी को एग्जैक्टली कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जब उससे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते तो टाइम वेस्ट भी होता है, एनर्जी भी ड्रेन होती है और डीमोटिवेशन भी होती है। इसलिए बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, थोड़ा वक्त दो अपने आप को और अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, और फिर सबसे बड़ी बात, उस स्ट्रैटेजी पे टिके रहो until and unless there is a real breakthrough that you need to take. अब जब strategy बनाओ तो ये अपने दिमाग में clear रखना कि मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किस subject पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार हम अपने favorite subject को सबसे ज़्यादा time दे देते हैं और बाकी subjects को neglect कर देते हैं, which is wrong. आप इस तरीके से अपनी strategy को design करो कि आपका focus आपके loopholes मिटाने पे, आपकी कमियाँ मिटाने पे हो। ऑल्सो अपने रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखो और एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बनाओ जिसे आप खुद फॉलो कर पाओ। 14-15 घंटे पर डे इज अ मिथ, बिलीव और नॉट, कोई भी नहीं पढ़ सकता इतना हर दिन कंसिस्टेंटली तो नहीं, और कोई कर भी ले तो उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी आती होगी ये तो मैं मान ही नहीं सकती। आपकी स्ट्रैटेजी का बेस इन समरी ये 5 पैरामीटर्स होने चाहिए। पहला सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, दूसरा टाइम, तीसरा आपकी वीकनेसेस, फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉक्स, फिफ्थ रिविजन, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। नाउ आफ्टर मेकिंग योर स्ट्रैटेजी, अब भाई अगला कदम है उसे फॉलो करना। पर क्या फर्क पड़ता है, कल से कर लेंगे, अरे मंडे किसके लिए है, देखो अभी 10:13 हो रहे हैं, 10:30 पे पक्का शुरू कर दूंगी। यही होता है ना, दिस इज प्रोक्रास्टिनेशन विच किल्स योर एफर्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। पता नहीं यार पूरा दिन कब खत्म हो गया, आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हेयर इज वेयर योर टाइम गोज। तो अब से काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी बहुरी करे को कब। डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट, जब भी लो ऑन एनर्जी फील करो, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड एंड टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उस ब्रेक को अपना डिस्ट्रैक्शन मत बना देना। नोट दिस दोस्तों, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में स्ट्रैटेजी के साथ गेम चेंजर होती है कंसिस्टेंसी।
हर दिन उठ के किताब खोलना, अपने टारगेट्स कंप्लीट करना साउंड जितना इजी करता उतना होता नहीं है। तो अपने एनवायरनमेंट को आप इतना पॉजिटिव और स्टडी ओरिएंटेड रखोगे उतना ही कंसिस्टेंट रह पाओगे। और हाउ टू बिल्ड कंसिस्टेंसी के ऊपर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आई एम श्योर आई हैव समथिंग अमेजिंग टू डिलीवर टू यू। एक और गलती जो एस्पिरेंट्स करते हैं वो है अनसॉलिसिटेड ओपिनियंस को एंटरटेन करते हैं। कुछ नहीं, बस आप नेगेटिविटी को वेलकम कर रहे हैं। ओपिनियंस उन्हीं से लो जो आपको प्रैक्टिकली दे पाए, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टाइज हो, उन्हीं की सुनो जो आपको समझ पाए। आप लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन यू हैव द एक्सेस टू कंट्रोल हाउ मच ऑफ देयर वर्ड्स यू अलाउ टू एंटर योर सिस्टम। लिसन टू दैट वंस अगेन, ट्रस्ट मी, दिस इज द रीजन कि आधे लोग अपना बेस्ट दे ही नहीं पाते और गिव अप कर देते हैं। अब मैंने ना कुछ लोगों का देखा है जो बहुत आर्बिट्ररली पढ़ते हैं, कभी कुछ उठा लिया, कभी कोई सब्जेक्ट, कभी नोट्स बनाए, कभी मिस कर दिए, कभी रिवाइज किया, कभी नहीं किया। गाइज, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। आपको अपनी चीजों को ट्रैक करने की जरूरत है। यू नीड टू कीप अ ट्रैक कि आप कितना सिलेबस आपका कवर हो गया, कितना बचा है, क्या रिवाइज करना है, कितना करना है। सेट योर टारगेट्स मंथली, वीकली और डेली। अब आप बोलोगे यही करते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब, ये 5 से 10 मिनट 15 मिनट आपके लेंगे, पर आपका ना जाने कितने घंटे आगे के लिए सेव हो जाएंगे। बाकी टेक योर ऑन कॉल। नाउ लेट्स जंप इनटू टू ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिपरेशन, जहां तक 50% लोग तो पहुंच ही नहीं पाते, विच आर रिविजन एंड मॉक्स। I cannot emphasize more, guys. आप 2-4 not so important topics syllabus के skip कर दे चलेगा, but do as many mocks as you can. और mocks देना is not sufficient, but उसे analyze करना कि कहाँ negative हुए, किस topic पे speed नहीं थी, कहाँ subject weak रह गया, कहाँ concept नहीं आया, everything and every time. This will make you stand out. यहाँ से रिजल्ट्स आपके इम्प्रूव होना 110% शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक आते आते ना 50% के भी 80% लोग हार जाते हैं, यहीं पे आपका कंपटीशन कट गया। और इस एनालिसिस के हिसाब से प्लान योर रिवीजन। अगर आप पढ़ चुके हो बट प्रॉपरली आपने रिवाइज नहीं किया है, इट इज नॉट गोइंग टू रिटेन फॉर लॉन्ग ऑब्वियसली, और मेहनत वेस्ट हो जाएगी। पेपर में स्पीड नहीं आएगी, आता जाता गलत होगा, नर्वसनेस होगी, एंग्जाइटी होगी, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। नाउ हमने स्टार्टिंग में बात की थी फियर ऑफ एग्जामिनेशन की। देखो ये नेचुरल है, बट ऑनेस्टली इतना हाइप जो मची हुई है, इट इज़ नॉट वर्थ इट। ऐसा नहीं होता, इतना कंपटीशन जो दिखता है उतना नहीं है। अगर आप ऊपर जो बोला गया है वो सब फॉलो कर पाओ तो कंग्रेचुलेशंस, आपका 80-90% कंपटीशन तो एग्जाम से पहले ही खत्म हो चुका है। एंड ऑल्सो हम जैसे ही तो होते हैं जो टॉप करते हैं, है ना। आपको पर्सनली मैं नहीं जानती हूँ, आई नो, बट यू कैन डू इट अगर आप विलिंग है तो। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। शेयर विद पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, ताकि इस वीडियो का पर्पस फुलफिल हो। आई विश यू अचीव ऑल दैट यू डिजर्व। थैंक यू सो मच।